नमस्कार। आज का प्रैक्टिकल जिसमें अपन केमिस्ट्री लैब के अंदर जब रेडिकल टेस्ट करते हैं तो रेडिकल टेस्ट के अंदर जितने भी पॉजिटिव आयन होते हैं यानी कि कैटायन होते तो उसमें अलग अलग ग्रुप होते हैं। 0 नंबर से लगा कर 7 नंबर तक जो ग्रुप है उसमें अलग अलग कैटायन का रेडिकल टेस्ट करने के लिए अपन लैसानिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। लैसानिक सॉल्यूशन जिसको बोला जाता है तो उसको प्रिपेयर करने के पीछे अपना मेन एम मेन पर्पज जो होता है उसके अंदर कोई भी अपने पास में कोवेलेंट कंपाउंड है तो कोवेलेंट कंपाउंड की इवन केमिकल रिएक्टिविटी वेरी स्लो होती है तो उस केमिकल रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इस कोवेलेंट कंटेनिंग कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। और कोवेलेंट कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड रहता है उसको बोला जाता है लैसानिक सॉल्यूशन। इस लैसानिक सॉल्यूशन के अंदर अपने पास में कोई भी कोवेलेंट कंटेनिंग कंपाउंड रहेगा और इस कंपाउंड को अपन सोडियम टुकड़े के साथ में उसको गर्म करते हैं। ये आप देख रहे हो ये सोडियम मेटल है पूरा का पूरा मेरे पास में, इसके अंदर बड़े बड़े लंग्स है। एक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक होगा और जस्ट नीचे एक वीडियो का लिंक रहता है। इस सोडियम को अपन पानी में डालते हैं तो आग भी लगती है तो उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। मेटल है, सोडियम मेटल है और इसके अंदर मैंने एक कोवेलेंट कंपाउंड कंटेनिंग छोटा सा कंपाउंड था उसको ऊपर की तरफ भर लिया है, देख रहे हो नीचे की तरफ सोडियम डाला हुआ है। और इस छोटी सी ट्यूब को बोला जाता है इग्निशन ट्यूब। खूब सारी इग्निशन ट्यूब है हमारे पास में, आप देख भी रहे हो, और ये सारी की सारी इग्निशन ट्यूब है। छोटी छोटी ट्यूबें हैं बस, बहुत छोटी छोटी है, इसको इग्निशन ट्यूब बोला जाता है। और इस इग्निशन ट्यूब को मैंने बीकर में डाल दी है और ये इग्निशन ट्यूब एक है जिसमें अपन ने कोवेलेंट कंटेनिंग कंपाउंड को भरा है, नीचे की तरफ सोडियम भरा है। और रिएक्शन को करने से पहले प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है और अंदर सोडियम डाला हुआ है इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। ये छोटा सा एपरेटस जिसको अपन बोलते हैं टॉन्ग्स, इस इग्निशियम ट्यूब को इस टॉन्ग्स के अंदर आप होल्ड कर लो, एक बार इसको पकड़ लो। अब धीरे धीरे इस स्प्रिट लैंप के ऊपर इसको गर्म करते हैं, बिल्कुल एकदम डायरेक्टली आपको और लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू इसको गर्म नहीं करना है नहीं तो सोडियम अंदर से निकलेगा कैनन की तरफ, तोफ की तरह निकलता है। और ध्यान रखना सामने की तरफ कोई नहीं होना चाहिए नहीं तो सामने वाले की फेस पे जाएगा तो 2 मिनट में फेस का होलिया चेंज हो जाता है, बहुत खतरनाक होता है। इसके अंदर ये पूरा स्प्रिट लैंप है, इसके अंदर अपन स्प्रिट डालते हैं, मीन इसके अंदर मिथेनॉल डाला जाता है। ये मिथेनॉल है 500 ml का है, इस मिथेनॉल को एज अ फ्यूल आप यूज सकते हैं। केरोसिन जैसे जलता है वैसे ही मिथेनॉल जल रहा है अंदर की तरफ, मिथेनॉल जल रहा है, मिथेनॉल है। ऊपर की तरफ मैंने कॉटन की छोटी सी रस्सी लगा रखी है तो उसके बिहंग पे कैपेल रिएक्शन हो रहा है और ये लगातार जल रहा है। तो ये स्प्रिट लैंप है और मेरे हाथ में इग्निशन ट्यूब है। इस इग्निशन ट्यूब को अपन लैसानिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए इसको रेड हॉट गर्म करते हैं, इस ट्यूब को रेड हॉट ट्यूब बना देंगे और बिल्कुल धीरे धीरे इसको गर्म करना है। थोड़ा सा गर्म करो सोडियम अंदर की तरफ मेल्ट होना भी स्टार्ट हो जाएगा लेकिन इसको बहुत धीरे धीरे गर्म करना है, कंटिन्यू इसको गर्म करना ही नहीं है, कंटिन्यू गर्म करना ही नहीं। नीचे की तरफ इसकी वेपर बनती है और मटेरियल ऊपर से वेपर के कारण निकल भी जाता है तो बहुत धीरे धीरे इसको गर्म करना पड़ता है, बहुत धीरे धीरे इवन इसको गर्म करना पड़ता है। मटेरियल को देखोगे वेपर के कारण ऊपर भी निकल जाता है। बहुत धीरे धीरे इसको गर्म करते हैं और गर्म करते करते ये जो ट्यूब है ये रेड हॉट होनी स्टार्ट हो जाएगी, रेड हॉट। पहले आपने धीरे धीरे गर्म किया, अब इसको आप फास्ट कंटिन्यू भी गर्म कर सकते हो, एकदम रेड गर्म होनी चाहिए, रेड हॉट होनी चाहिए। वीडियो पूरा बनाओ, मैंने लगा था पीछे से बनाओ। आप देखोगे अंदर ही अंदर जो कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। और इसके बाद में अपन एक बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं, ये मैंने पहले से इसको प्रिपेयर कर रखा है। इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर अप्रोक्सीमेट 25 ml अपने को पानी भी लेना है और इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर के अंदर बहुत अच्छे से होल्ड करके भी रखना है। ये जो इग्निशन ट्यूब है इसको मैं लगातार रेड हॉट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ये गर्म हो जाएगी। गर्म होते ही इसमें भरा हुआ है मैंने डिस्टिल्ड वाटर और इस डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इस इग्निशन ट्यूब को मैं डायरेक्ट डाल दूंगा। और डायरेक्ट डाल देते ही ग्लास के अंदर आप जानते हो इसमें असमान प्रसार होगा, इनसिमिलर एक्सपेंशन होगा जिसके कारण ये रेड हॉट जो इग्निशन ट्यूब है यंत्र पानी में डालते फूट जाएगी। तो पानी में डालते फूटते ही इसके अंदर जो कंपाउंड बड़ा है जिसमें आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन अपने करने जा रहे थे तो वो कोवेलेंट कंपाउंड
पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। अभी आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा रेड हॉट हो चुकी है, इसको लगातार गर्म करते जाना, रेड हॉट करना है, बहुत ज़्यादा रेड हॉट करना है। रेड हॉट हो चुकी है, लाल हो चुकी है गर्म होते होते। अब मैं इसको डाल दूंगा सीधा इस पानी के अंदर। मैंने बॉइलिंग ट्यूब ली है, बॉइलिंग ट्यूब को मैंने टेस्ट ट्यूब होल्डर के अंदर होल्ड करके रखा है और इसको थोड़ा सा सावधानी के साथ अपने को काम करना है। और ये रेड हॉट है, डायरेक्ट पानी में डाल दिए फूट जाएगी। ओके, अगर नहीं फूटती है तो एक ग्लास रोड लेकर के अपने को इसको तोड़नी भी पड़ती है। अब मैं डाल रहा हूँ डायरेक्ट इसके अंदर। आप देखोगे ये अंदर की तरफ टूट चुकी है और टूटते ही इसका जो सॉल्यूशन है वो इसके अंदर पूरा का पूरा डिजॉल्व हो चुका है। ओके, तो आप देखोगे इग्निशन ट्यूब बिल्कुल अंदर की तरफ टूट चुकी है। ये सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ। अब इस सॉल्यूशन को धीरे धीरे अपन इसको फिल्टर कर लेंगे। ओके, और फिल्टर करने के लिए मैंने फिल्टर पेपर लगा रखा है। फिल्टर पेपर के देखोगे फनल के अंदर फिल्टर पेपर को प्रिपेयर करने का प्रोसेस भी बताऊंगा। नीचे की तरफ एक छोटा सा मैंने बीकर लगाया ताकि इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो फिल्टर होकर के इसमें आ जाए। अब मैं इसको फिल्टर कर रहा हूँ डायरेक्ट, ये फिल्टर हो रहा है। नीचे की तरफ देखोगे आप इग्निशन ट्यूब पूरी की पूरी टूट चुकी है और इसका सॉल्यूशन डिस्टिल्ड वाटर के अंदर मिक्स हो चुका है। अब जो अपने पास में एक्सट्रैक्ट आ रहा है, इस एक्सट्रैक्ट को बोला जाता है लैसानिक सॉल्यूशन। ओके, लैब में बहुत बार इसको करवाया जाता है। कई बार बच्चों को मतलब शंका रहती है कि लैसानिक सॉल्यूशन होता क्यों है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है। तो जितने भी कोवेलेंट कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उसको आयोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए ये लैसानिक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। और इस लैसानिक सॉल्यूशन को बनाने का बहुत ही सिंपल शानदार मेथड आपको बताया मैंने। और लैब के अंदर आप इस रिएक्शन को जब भी करते हो तो लैसानिक सॉल्यूशन बनाने के लिए कहीं अगर पोर्शन होता जिसको LS सॉल्यूशन बोला जाता है तो इजी वे आप इसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, वीडियो बहुत शानदार प्रिपेयर किया है, इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और भी प्लेलिस्ट के अंदर साइंस एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड काफी सारे वीडियो है जिसके अंदर एक यही लैब का बच्चा जिसने पीपेट के अंदर आपको सॉल्यूशन कैसे शक करके पूरा कंप्लीट करते हैं तो वो भी देखा था आपने। ब्यूरेट के अंदर, ब्यूरेट को पढ़िए, एक ब्यूरेट दो मेरे को, तो इस ब्यूरेट के अंदर, हाँ तो इस ब्यूरेट के अंदर, हाँ पूरा सेट लेके आओ। इस ब्यूरेट के अंदर अपन कैसे टाइट्रेशन की रीडिंग लेते हैं वो भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। कई बार क्या है कि ऊपर का जो मेजरमेंट है वो बच्चे कर ही नहीं पाते, तो मेजरमेंट के अंदर ऊपर का जो जीरो का मेजरमेंट है ये कैसे करते हैं, इस ब्यूरेट के अंदर अपन कैसे कोई सॉल्यूशन भरते हैं तो भरने का तरीका, ये सारी चीजें लैब के अंदर एक एक एक्सपेरिमेंट वो सारी चीजें अपन ने देखी। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना और शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।